हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को लेकर अब मुस्लिम देशों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी तरह से मुंबई के भिंडी बाजार में रजा एकेडमी ने फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस दौरान सड़कों पर भारी संख्या में लोग देखने को मिले। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन के खिलाफ अब मुस्लिम देशों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस बयान की दुनिया भर में मुस्लिम देश इसकी आलोचना कर रहे हैं। मुंबई के भिंडी बाजार में बड़ी संख्या में रजा एकेडमी ने जुलूस निकालकर प्रोटेस्ट किया और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान के बाद बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट किया गया। हजारों की संख्या में लोग यहां सड़कों पर उतरे और पुतले भी जलाए गए और फ्रांसीसी प्रोडक्ट के बहिष्कार भी किया गया। इसी तरह से मुंबई में भारी संख्या में भिंडी बाजार में प्रोटेस्ट किया गया। क्या कुछ कहा है इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने, सुनिए। जी हजरत, क्या एहतजाज है? आपको जैसा मालूम है कि फ्रांस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौजिला कार्टून बनाया गया और आज ये मुसलसल फ्रांस और फ्रांस की हुकूमत और वहाँ के चार्ली अखबार वाले ये काम करते चले आ रहे हैं। अरब तो हुकूमत ने इसको बड़ा चाह पेश किया है। तो आप जानते हैं कि मुसलमान पेट तुम्हारो बर्दाश्त करेगा, पीठ तुम्हारो बर्दाश्त करेगा, लेकिन रसूल पाक के नामूस पे आएगा तो किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसे जितनी ताकत बन पड़ेगी हम लगाएंगे। हम दुनिया को बता रहे हैं, जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की अरब कंट्री की बौखलाहट है और इस्लामी फोबिया की वजह से है, हम साफ कहते हैं कि हम मुसलमान ना ईसा अलैहि सलाम की तौहीन करते हैं, ना मूसा अलैहि सलाम की तौहीन करते हैं और किसी भी धर्म वाले के जिसको बड़ा मानते हैं, ना हम उसको बुरा बोलते हैं, ना बोलने जाते हैं, ना हमको कोई मतलब है। तो किसी को हक नहीं है कि हमारे नबी की शान में तौहीन करे। आज़ादी राय का मतलब ये नहीं है कि हमारे नबी की शान में तौहीन किया जाए। तुर्की के सदर ने उसे पागल कहा है, दिमाग का इलाज कराने के लिए कहा है, तो बहुत लोगों को बुरा लग गया। एक गलीज आदमी को पागल कहा जाए बुरा लग जाए, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तौहीन हो तो हमको बुरा नहीं लगेगा। हमको जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे। हम हिंदुस्तान की हुकूमत से मांग करते हैं कि ये हुकूमत फ्रांस से अपना ताल्लुक ख़त्म करे और इस मुल्क में भी निगाह रखे कि अगर कोई नफरत फैलाएगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी जो है मुसलमानों का इस दुनिया में एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। सऊदी हुकूमत ने सिर्फ दो दिन बाद मजम्मत की है, बॉयकॉट का ऐलान नहीं किया। हम साफ साफ कहते हैं कि सऊदी हुकूमत जो है अमेरिका का कठपुतली है और वो नाम नया रिप्रेजेंटेटिव है, उसे किसी रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। वहाँ मक्का शरीफ मदीना शरीफ है, उसका वो बेनिफिट उठा रहा है। तो साफ बात सीधी सीधी है कि उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर हमारे लिए हमारी ताकत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे लिए हमारी ताकत उलमा बुजुर्ग दीन है। हमको उनसे वाबस्ता रहना है, जो वो बोलेंगे हम वो करेंगे।